नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज खीरे के रायता की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चलिए सामग्री देख लेते हैं क्या क्या लगती है। जीरा पाउडर लीजिए, जीरा को पहले भून करके उसका पाउडर बना लिया है। थोड़ा सा जीरा, राई, लाल मिर्ची, सेंधा नमक, मठा और ये खीरा। चलिए आगे के प्रोसेस में चलते हैं। ये हम ग्रेटर लेंगे और इसमें ग्रेट करेंगे खीरा को। तो खीरा को पहले हमने धो लिया था एक बार, इसके बाद इसका छिलका उतार के और इधर दोनों तरफ के पार्ट को निकाल दिया और इसके बाद एक बार और धोया है। अब चलिए हम इसको ग्रेट करते हैं। ये बड़े वाले से कर रहे हैं, इससे अच्छा रहता है। ज्यादा ये पतले वाले से करेंगे ना, इसमें बहुत ज्यादा पानी छोड़ता है और इसमें सही रहता है। ऐसे बड़े बड़े रहते हैं खीरे तो अच्छे लगते हैं। ये देखिए हमने इसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। चलिए हम आगे के प्रोसेस में चलते हैं। तो ये देखिए पहले हम इसको मठा ले लेंगे। दही को हमने अच्छे से मथ लिया था और मठा बना लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये अपना जो हमने कद्दूकस करके खीरा रखा था, जो ये पानी छोड़ रहा है ना, इसको भी इसी में डाल देंगे, क्योंकि हमने इसको अच्छे से धो लिया था खीरा को, तो पानी भी अच्छा है, इसी में डाल देंगे पानी। हम इसमें डाल देंगे जीरा पाउडर। इसको जीरा को अच्छे से भून करके और इसका पाउडर बना लिया था। अब डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर और ये नमक, नमक स्वाद के अनुसार, और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको। अब चलते हैं गैस की तरफ। चलो गैस को हम चला देंगे और ये रख देंगे कचड़ी। इसमें हमने एक चम्मच घी डाला है और घी को थोड़ा सा पिघलने देंगे। ये देखिए घी हमारा गर्म हो गया है। इसमें डाल देंगे जीरा और जो राई की थी ये भी डाल देंगे इसी में। कड़छी को उठा लेंगे ताकि इसमें ज्यादा नहीं तो आग पकड़ लेता है घी। ये देखिए राई और जीरा हमारा अच्छे से पक गया है, ये आपको वीडियो में दिख रहा होगा। गैस कर देंगे बंद, इसमें हम डाल देंगे और इस तरीके से चला देंगे अच्छे से। इस तरीके से आप खीरे का रायता बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है खाने। एक बार जरूर इस तरीके से बना करके ट्राई करिए। ये देखिए बन गया हमारी खीरे का रायता, बनकर तैयार हो गया। चलिए चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। अब हम इसे सर्व करेंगे इस तरीके से। ये देखिए अब थोड़ी धनी पत्ती से गार्निश कर देंगे।